तो आज यहाँ जाने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर में से एक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट ज़रूर देखना। और मैं उज्जैन आई थी ना, उसके पहले यहाँ के बारे में हम लोग देखे थे और बहुत टाइम से यहाँ आने के लिए सोच रहे थे। तो इस बारी हम लोग आ गए फाइनली, अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये नदी कितना प्यारा लग रहा था और बारिश स्टार्ट हो गया था अभी तो। बाकी आप लोग में से यहाँ कौन कौन आया है दर्शन करने के लिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शाम की किताब इस चैनल। और ना बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है इसलिए मेरा आँख बार बार खुल नहीं रहा। बाकी आज हम लोग आए हैं मंदसौर में, जो कि है उज्जैन से करीबन करीबन 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। चलो चलते हैं और आप लोग को भी मैं दर्शन करवाती हूँ और साथ में मैं भी दर्शन करती हूँ। तो चलो चलते हैं। और यहाँ का सीनरी वगैरह इतना प्यारा प्यारा बना हुआ है, रुको मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। और यहाँ पे भोले बाबा का बना हुआ है सीनरी, ना सुंदर लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ मैं। और एक और रुको बैक कैमरा करके आप लोग को भोले बाबा क्या नाम बताए वो वाले का, रुको मैं दिखाती हूँ। तो ये है मेन मंदिर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है ये। और यहाँ पे के जो शिवलिंग है ना, उनके 8 मुंह हैं और सब अलग अलग मुद्रा के रूप में बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी तो पट बंद है, बाकी 2 बजे तक के शायद यहाँ का पट खुल जाता है करके बता रहे थे। तो थोड़ा ही टाइम बाकी है, 10-15 मिनट, तब तक के सोची पूरा मंदिर ही एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ कहाँ पे और क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं घर के। बाकी फिर जैसे ही पट खुलेगा उसके बाद फिर महादेव के दर्शन करेंगे। बाकी यहाँ पे ना हर जगह आप लोग को भोले बाबा ही दिखेंगे और बहुत सारा मंदिर बना हुआ था यहाँ पे भोले बाबा का, तो सब आप लोग को दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पे बड़ी साइज़ के एकदम नंदी जी भी विराजमान हुए हैं और साथ में सांप है। और यहाँ पे ना क्या बोलते हैं कछुआ बना हुआ था। और यहाँ पे पूरा 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में भी मतलब वैसे बना हुआ था। पकड़ तो और मंदिर का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे बड़ी साइज़ के एकदम घंटा बना हुआ है, घंटा ही बोलेंगे, घंटी तो छोटा वाले को बोलते हैं ना शायद। और यहाँ पे बहुत सारा पेंटिंग बना हुआ है, बहुत प्यारा प्यारा लग रहा था मुझे तो यहाँ पे। और आज का वेदर भी इतना सुंदर लग रहा था, अभी जस्ट बारिश बंद हुआ है, अच्छा हुआ कि थोड़ा टाइम के लिए बस, लेकिन बंद हुए ही रहे अभी। और बस अब पट खुलने ही वाला है, ज़्यादा टाइम बाकी नहीं रह गया है, तो वही वेट कर रहे थे। उसके बाद जाके भोले बाबा के दर्शन करते हैं और आप लोग को भी मैं बहुत अच्छे से दर्शन करवाऊँगी। ताकि अभी तो आप लोग मेरा व्लॉग देख के दर्शन कर लो और बाकी यहाँ पे जल्दी से आप लोग आके फिर अच्छे से दर्शन कर पाओ। और ये बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर में से एक है और ऐसा पशुपतिनाथ एक नेपाल पे है, दूसरा यहाँ पे है। तो और ये ना खुद से मतलब स्वयंभू शिवलिंग है जो कि नदी से निकले हुए हैं। तो चलो चलते हैं और अब दर्शन करते हैं। बाकी अब पट खुल चुका है, तो ये जो है ना, ये वाले जो शिवलिंग का नाम है उनका नाम है सहस्त्रलिंग शिवलिंग मंदिर है ये वाला। बाकी इसके बाद फिर पशुपतिनाथ वाले मंदिर का भी आप लोग को दर्शन करवाऊंगी। बाकी यहाँ पे ना जितने भी भोले बाबा के मंदिर है उनका शिवलिंग का साइज़ आप लोग देख सकते हो, कितना विशाल, कितना ज़्यादा बड़ा साइज़ में है। बाकी बहुत अच्छा लगा, वही है आप लोग बाहर से फ़ोटो वीडियो जो भी बनाना है वो आप लोग बना सकते हो, लेकिन मंदिर के अंदर पे नहीं। तो मैं वही बाहर से आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे से दर्शन कर पाओ भोले बाबा के। और ये वाला मंदिर है पशुपतिनाथ जहाँ पे 8 मुख बना हुआ है भोले बाबा का और सब अलग अलग मुद्रा पे बने हुए हैं, मतलब कि 4 ऊपर में बना हुआ है और आप लोग अगर नोटिस करोगे तो 4 ऐसे नीचे टाइप में बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी सेम है कि आप लोग अंदर से वीडियो नहीं ले सकते, बाकी बाहर से आप लोग मतलब 4 रास्ता बना हुआ है ना, उधर से जाके आप लोग वीडियो वगैरह ले सकते हो घर की। बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा तो ऐसे मन कर रहा था यहाँ से जाने का ही नहीं, मतलब मैं घूम फिर के फिर यहीं पर ही आ जाती थी भोले बाबा के पास में, बहुत अच्छे लगे। अब यहाँ तो बुला लिए लेकिन नेपाल वाले
पशुपतिनाथ भी जल्दी बुला लो। तो यहाँ पे एक और मंदिर है भोले बाबा का। तो यहाँ पे ना हर जगह पे कछुआ भी बना हुआ है नंदी के साथ साथ में। और ये वाले भोले बाबा का नाम, रुको मैं बताती हूँ, तपेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर में से एक है। बाकी मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग में से यहाँ पे कौन कौन आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी यहाँ के लिए ना बस वगैरह भी चलता है, जो कि 200-250 रुपए के आसपास लेता है। तो आप लोग उस टाइप से भी यहाँ पे अगर उज्जैन से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी हम लोग कार करके आए थे, तो हम लोग को 3500 से 4000 के आसपास खर्चा लगा है यहाँ पे। तो आप लोग वैसे कार करके भी आ सकते हो या फिर बस से भी यहाँ पर आ सकते हो। और आप चलते हैं उज्जैन वापस, और अब उज्जैन का बहुत सारा ब्लॉग आने वाला है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना। और यहाँ पे ना वेदर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था रेनबो बन रहा है इस टाइप से लग रहा था। बाकी बहुत सुंदर लग रहा था, वेदर इतना प्यारा लग रहा था। तो आज के लिए बस यहाँ तक के रखते हैं। बाकी इसके बारे में और कोई अगर डिटेल आप लोग को चाहिए ना तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और अच्छे से यहाँ का व्लॉग आप लोग के लिए ज़रूर बना दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।